हे गाइस, तो चलिए आज ना पुदीने से बनाते हैं एक रेसिपी, क्योंकि गर्मियों में जैसे पुदीना भी काफ़ी इजीली मिल जाता है, तो यहाँ पे हम पुदीने से चटनी नहीं बनाएंगे इस बार, पुदीने का एक नई रेसिपी ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले पुदीना ले लेना है और उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए, और जो उसकी सख्त वाली डंडियाँ है ना वो हटा देना, और इसको ऐसे बारीक बारीक चॉप कर लेना। फिर लेंगे यहाँ पे हम एक बड़े से बोल में गेहूं का आटा, और उसमें डाल देंगे नमक, स्वाद के अनुसार डाल देना है। और उसके बाद ये जो पुदीना हमने काट के रखा हुआ था ना गाइस, वो हम इस आटे के अंदर डाल देंगे। तो बिल्कुल सही लग रहा है आपको, हम यहाँ पे बनाएंगे पुदीने का पराठा। गर्मियों में ये पराठा ना बहुत ही ज़्यादा स्वाद देता है। एक छोटी चम्मच यहाँ पे मैंने डाला है धनिया पाउडर, थोड़ी सी डाली है यहाँ पे एक चौथाई चम्मच हल्दी, चाहे तो आप इसमें अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं स्पाइसी करने के लिए, हरी मिर्च या फिर जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना चिली फ्लेक्स, वो भी डाली जा सकती है। अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और बिल्कुल जैसे रोटी का आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही हमें इसको गूंद लेना है। थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदेंगे और उसके बाद ना हम थोड़ी देर उसको रेस्ट करने देंगे। तो ये देखिए आटा जो है वो हमारा गूंद चुका है। तो इस टाइप के पराठे ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। गर्मियों में आप इसको सिंपल सा चटनी वटनी के साथ खाइए, या फिर इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और रिफ्रेशिंग होते हैं ये। तो पुदीने की ये रेसिपी तो गाइज मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है, तो एक बार आप ना इस बार ज़रूर ट्राई करना इस गर्मियों के मौसम में। तो बिल्कुल क्या करना है, गूंदने के बाद जब इसको 10 मिनट रेस्ट कर दिया, तो यहाँ पर थोड़ा सा पेड़ा लेना है, और बिल्कुल जैसे हम रोटी बेलते हैं ना वैसे इसको बेल लेना है। कोई ज़्यादा झंझट का काम नहीं है, या जैसे कई बार हम मेथी या बथुए के पराठे बनाते हैं ना, तो उस तरीके से भी बना सकते हैं। अब इसके ऊपर लगाएंगे अच्छे से घी, और फिर उसके बाद थोड़ा सा पुदीना मैंने और डाल दिया। अब इसको फोल्ड कर देंगे, यहाँ पे दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट करना है। बिल्कुल ट्राइंगल वाला पराठा बना रहे हैं, आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो ये देखिए अब इस पर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे, और इसे हम दोबारा बेल लेंगे। तो यानी अच्छे से इसको पराठे की तरह बेलना है। इससे क्या होगा कि इसकी जो लेयर्स है ना वो निकलेंगी, और जैसे जैसे ये सिकेगा ना, तो इसके जो क्रिस्पी ये बनेगा, तो उसमें लेयर्स जैसे निकलेंगी तो पुदीने की खुशबू और फ्लेवर दोनों इसमें निकल के आएंगे। अब हमारा तवा रेडी है यहाँ पे, और इस पे डाल देंगे हम ये पराठा, और उलट पलट के नॉर्मल जैसे हम सेकते हैं वो उसकी तरह इसको सेक लेंगे। तो जब इसमें हल्का सा पक जाइए, कच्चापन हल्का सा चला जाए, तो उसके ऊपर घी लगाइए और स्पैटुला से प्रेस करके इसको अच्छे से दोनों साइड से क्रिस्पी करारा होने तक सेक लेना है। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन जो पराठा है वो बहुत ही बढ़िया आपका बनके रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए हल्के समय इसको प्रेस कर रही हूँ, और जब इस पर गोल्डन स्पॉट्स आएंगे तब मैं इसको निकाल लूँगी। और ये हमारा यम्मी सा पुदीना पराठा गाइस बनके रेडी है। इसे आप बिना चटनी सिंपल ऐसे भी खाएंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा स्वाद आएगा। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो तब के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।